लुधियाणा के पिंड गुरुसर सुधार विच एक कबड्डी टूरनामेंट करवाया जा रहा है। 13वां कबड्डी टूरनामेंट पर अचानक जिहड़ा है टीम जिहड़ियां ने ग्राउंड विच आउण तों इनकार कर दिंदियां ने, जिस तों बाद विच मैच जिहड़ा रद्द करना पैंदा जी। लगे हुए तुहानूं नज़र आउणगे 2-59-11 ट्रैक्टर जिहड़े ने इनाम विच दित्ते जाणे सी। सिद्धू मूसेवाले दे पिता बलकौर सिंह जदों इत्थे पहुंचदे ने तां अचानक जिहड़ा है मैच रुक जांदा है, मैच बंद कर दित्ता जांदा। सिर्फ खिडारी नहीं आए, इसी करके टूरनामेंट कामयाब नहीं। गुंझलदार मसला, ये तो खास बंदे बच्चे जिहड़े पए हुए आ जिहड़े खेड करा रहे ने कमेटी वाले। सत श्री अकाल जी, रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो तुसीं ते मैं राजविंदर सिंह। लुधियाणा के पिंड गुरुसर सुधार विच एक कबड्डी टूरनामेंट करवाया जा रहा है, 13वां कबड्डी टूरनामेंट पर अचानक जिहड़ा है टीम जिहड़ियां ने ग्राउंड विच आउण तों इनकार कर दिंदियां ने, जिस तों बाद विच मैच जिहड़ा रद्द करना पैंदा जां टूरनामेंट जिहड़ा रद्द करना पैंदा। की कारण रहे ने इह वी दस्सांगे, पर सब तों पहलां तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे हां कि असीं लुधियाणा के सुधार पत्ती धालीवाल पहुँचे हुए हैं जिथे कि यह टूरनामेंट करवाया जा रहा है। तुसीं देख सकते हो तस्वीरों के जिहड़े बोर्ड ने लगे हुए तुहानूं नज़र आउणगे, 2-59-11 ट्रैक्टर जिहड़े ने इनाम विच दित्ते जाणे सी। असीं कह सकते हैं कि 59-11 ट्रैक्टर जिहड़ा इनाम विच दित्ता जाणा सी, कितें ना कितें पहला इनाम 1,00,000 रुपया ते दूजा इनाम 75,000 रुपया, वड्डे इनाम भी रखे गए सी, जिस नूं लैके वड्डी गिणती विच जिहड़े ने खिडारियों के नाल नाल दर्शक भी पहुँचे हुए सन। वड्डी गिणती विच दर्शक जिहड़े ने इत्थे पहुँचे हुए सी, टूरनामेंट चल रहा सी। कहा जा रहा है कि 3 तों 4 जिहड़े मैच ने हो चुके सी, पर अचानक अजिहा की ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ ਬਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ? 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੋਕ ਜਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਬਸ। ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਹੈ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਦੋ। ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, 59-11 ਰੱਖੇ ਟਰੈਕਟਰ। ਹਾਂ, ਨਾ ਮੋਟੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਨਾ ਮੋਟੇ ਰੱਖੇ। गुंझलदार मसला, ये तो खास बंदे बच्चे जिहड़े पए हुए आ जिहड़े खेड करा रहे ने कमेटी वाले आगू ने, जिहड़े असीं तां आम दर्शक आ, जिवें आम बैठे आ जिवें पिंड दे रहण वाले। अग्गे वी इदां दे नहीं नहीं साडे ज्यादा उहनां तों पुछिआ, उहनां तों जानण दी कोशिश कीती कि की कारण रहे ने, क्यों जिहड़ा मैच है रद्द करना पिया जां टूरनामेंट क्यों रद्द करना पिया। फिलहाल उन्हां वल्लों कोई भी जिहड़ा स्पष्ट जवाब नहीं दिता गया। उन्हां दा कहना सी कि अचानक जिहड़ियां ने टीमां जिहड़ियां ने नहीं पहुंचियां, जिस दे चलदे जिहड़ा मैच जिहड़ा रद्द करना पिया। असीं तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हां सुधारपति दे उस स्टेडियम दीआं जिथे कि टूरनामेंट चल रिहा सी अते खिडारियों वल्लों जिहड़ी खेड खेडी जा रही सी, पर अचानक अजिहा हुंदा कि टूरनामेंट जिहड़ा रोक दिता जाता, जां असीं कह सकदे हां कि खिडारी जिहड़े ने खेडण तों इनकार कर दिंदे ने। तुहानूं दस्सीए कि टूरनामेंट दे विच जिहड़े ने वड्डी गिणती विच जिहड़े दर्शक ने पहुँचे हुए सी, उत्थे ही कहा जा रहा कि सिद्धू मूसेवाले दे पिता बलकौर सिंह, सिद्धू मूसेवाले दे पिता बलकौर सिंह जदों इत्थे पहुँचदे ने तां अचानक जिहड़ा है मैच रुक जाता है, मैच बंद कर दिता जाता। उस तों पहलां जिहड़े टूरनामेंट होए सी 3 तों 4 जिहड़े मैच होए सी, जिस नूं लै के ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ,
पर फिलहाल जो राबता है कायम नहीं हो पा रहा क्योंकि खिडारी जो वक् वक् जगह तो खेडन वास्ते आए थे कितना कितने असं कह सकते हैं कि एक टूरनामेंट रद्द होना कितने ना कितने मंदभागी खबर है। खेड प्रेमियों भी निराशा हुई है पर कितने ना कितने असं कह सकते हैं कि टूरनामेंट रद्द कर दिया गया है जिसके जोड़े असली कारण ने फिलहाल उस दे संबंध में जानकारी नहीं मिली। असी इतने जानने की कोशिश भी करा लोगों गलबात भी होर लोगों गलबात करने की भी कोशिश करा कि कारण रहे हैं पर तुम दस दिए कि लुधियाना के सुधार विच जिहड़ा टूरनामेंट रद्द कर दिता गया है जिसका जिहड़ा कारण है फिलहाल स्पष्ट नहीं पता चल रहा। पुलिस नाल भी इस संबंध में गलबात की जाएगी कि कोई कंप्लेट की उन्होंने दिती गई है या इस संबंध में कोई जी है लिखती ज फोन के उपर कोई कंप्लेट जी दी गई है खिडारियों वालों या प्रबंधकों वालों कोई कंप्लेट दी गई है। फिलहाल इस संबंध में भी गलबात करने की जरूर जी कोशिश की जाएगी पर असं कह सकते हैं कि लुधियाना के सुधार में टूरनामेंट जोड़े ने रद्द कर दिए गए हैं जिसके जोड़े असली कारण ने फिलहाल सामने नहीं आ रहे पर सूत्रों के हवाले तो यह जरूर कहा जा रहा है कि गैंगस्टर वालों फोन कॉल आने तो बाद जिहड़े ने खिडारी खेड मैदान में नहीं पहुँचते जिसके चलद टूरनामेंट रद्द करने पैने। रोजाना स्पोक्समैन लुधियाना तो राजविंदर सिंह।